हरिसेन नगरी कांड की लॉ ने दरभंगा के भी दो लोगों की जिंदगी छीन ली, जबकि दो और लोगों की हालत चिंताजनक है, जिसका इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा। हालांकि इसकी पुष्टि ना तो दरभंगा प्रशासन ने अब तक की है, ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से जारी मृतकों की सूची में भी इन दोनों लोगों का नाम भी दर्ज नहीं है। लेकिन परिवार के लोगों ने मीडिया के कैमरे पर यह दावा किया है कि उनके परिवार के दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो की हालत बेहद गंभीर है, जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा है और उसकी भी हालत बेहद नाजुक है। परिजनों ने कहा कि इसकी सूचना फोन पर मिली और सूचना देने वाला व्यक्ति भी इनके ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और सभी के साथ दिल्ली में रहकर ये भी फैक्ट्री में मजदूर का काम करते थे। लेकिन अगलगी की घटना से पहले सूचना देने वाला व्यक्ति नमाज पढ़ने मस्जिद निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। वापस आया तो फैक्ट्री का नजारा ही बदल गया था। दरअसल परिवार की बात माने तो दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत अल्फसगंज बिशनपुर के पांच लोगों घटना के समय वहां मौजूद थे, जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्य हैं। चार सदस्य में तीन भाई और उसका एक बहनोई शामिल है। परिवार का दावा है कि अग्निकांड में इखलाक और आदिल की मौत हो गई है, वहीं मोहम्मद परवेज और मोहम्मद गुल्लेज की हालत गंभीर है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। चारों आपस में रिश्तेदार हैं। इसमें इखलाक घर का दामाद है, बाकी तीन आपस में भाई हैं। मृतक इखलाक की उम्र लगभग 32 वर्ष है और वह फैक्ट्री में मजदूरी करता था, जबकि मृतक आदिल की उम्र महज 13 साल की है और आदिल वहीं अपने भाई के साथ रहकर पढ़ाई करता था। लेकिन घटना से ठीक पहले वहां रह रहे पांचवें व्यक्ति घटना से ठीक पहले नमाज पढ़ने निकल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। और वहीं पांचवें सदस्य ने दरभंगा के इस परिवार को घटना की पूरी जानकारी दी। घटना की खबर सुनते ही घरों में मातम का छा गया। घर की महिलाएं का रो रो कर बिलाप करने लगी। लोगों का भीड़ भी पीड़ित परिवार के यहाँ जुटने लगी, लेकिन बिहार सरकार की कोई अधिकारी अब तक परिजन से कोई संपर्क नहीं किया है, न ही खबर लिखे जाने तक जिला प्रशासन ने भी घटना की पुष्टि की है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने जो मृतक की सूची जारी की है, उसमें भी इन परिवार के सदस्य का नाम नहीं है। अब इन दोनों की घटना में मौत हो गई है, फिर ये दोनों गायब हैं। फिलहाल अपने स्तर से पुख्ता जानकारी जुटाने में परिवार के लोग दिल्ली रवाना हो गए हैं। घटना घटी है कि कल पता चला है कि आग लग गया मेरे मोहल्ले का कि ना एक लड़का रो रहा था, मेरा भाई लगेगा चचेरा, वो कि ना बतलाया है कि बाकी सब निकल गया, अब नमाज पढ़ने के लिए निकल गया। वो बतलाया कि चार आदमी उसी रूम में रह गया, दो आदमी का एकदम जख्मी है वो अस्पताल में है और दो आदमी जल गया, उसका कोई पता नहीं है। आपसे आखिरी बातचीत कब हुआ था उनसे? हमसे आखिरी बातचीत हुआ था कल रात में। कल रात में? हाँ, कल रात में बातचीत हुआ था आग लगने से पहले, उसके बाद से नहीं हुआ है बातचीत। तो कब पता चला कि वो जल गया है? कल पता चला है कि जल गया वो। कौन थे वो जो जले हैं, कौन है? मेरा आदमी है। मैं इसमें एक फैक्ट्री में घटना हुआ, उसमें चार मेरे यहाँ का लड़का था और एक किन से और भी बगल का उस मिरी गांव का बगल का रहने वाला एक लड़का था, पांच था टोटल वहां पे। सुबह हुआ जिसमें एक लड़का जो था वो चला गया सुबह में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए और चार सुबह हुआ रह गया वहां पे, जिसमें दो लड़का जो है वो इलाजरत है, इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज उसको किया गया और दो उसमें पूरी तरह से जल गया, जिसमें एक हकीम का बेटा है और एक हकीम का दामाद है। क्या नाम है इन लोगों का? इन लोगों का नाम हुआ, एक का नाम है आदिल और दामाद का नाम है अखलाक। आदिल नाबालिग, कागज शादीशुदा नहीं है और ये जो है अखलाक जो है उसको तीन लड़का और एक बच्ची है। अभी तक साबित नहीं कर पाई दिल्ली सरकार अभी तक गुमराह कर रही है। इसी बात का हम लोगों को काफी आक्रोश है, समाज में काफी आक्रोश फैला हुआ है कि इन लोगों का नाम अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा। दरभंगा प्रशासन को से इस बारे में कुछ बात हुई है? जी, दरभंगा प्रशासन को कल रात हम टीवी चैनल के माध्यम से भी खबर दिए थे कि इस तरह का घटना हुआ है, जिसमें प्रशासन हमको मदद करे। उल्लू का स्थिति जो है दो है, तो दो परवेज और गुल्ले जो है हॉस्पिटल में है
और बाकी जो है से दो का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। कल से यही हो रहा है भाई, आज मिल रहा कोई चल रही है, लेकिन अब हम लोग को भरोसा है कि वो भाई अब नहीं है। क्या नाम था जो नहीं मिल रहा है, लापता हो? तो 1 लाख नाम है। उम्र कितना है उसका? उम्र वही 35 होगी, और 30 से 35 होगी। और दूसरी जो है आदिल है, वो 13 साल का है। ठीक है, लास्ट टाइम कब बात हुआ आपसे कुछ? लास्ट टाइम अभी कुछ बात तो नहीं हुई लास्ट टाइम में, लेकिन आपको कैसे पता चला? ये तो फोन किया था, वहीं से फोन आया था आग लगने से पहले, जो तो उसी टाइम बात हुई थी। बाकी अभी जो कल जो है हमारे यहाँ से चचेरा भाई है और चाचा हमारे गए हैं वहाँ से, वहीं से बातचीत हुई है। वीरेंद्र कुमार के साथ सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। 5 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म की शिकार हुई इस बच्ची का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के ICU में पिछले कई दिनों से चल रहा है। रविवार की देर रात DMCH पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, उनके साथ थे CT SP योगेंद्र कुमार, जिन्होंने बलात्कार की शिकार पीड़िता को देखा, उनके परिवार वालों से तमाम जानकारी ली, इलाज संबंधी पूछताछ भी की और दवा इत्यादि मिल रहा है या नहीं इसकी सुविधा कैसे भी उन्होंने अवगत हुआ। SSP ने कहा कि बच्ची अभी ठीक लग रही है तथा यह बच्ची होश में भी है, इसकी स्वास्थ्य में भी सुधार है। बच्ची के माता पिता से यह जानकारी SSP को प्राप्त हुई, वहीं बच्ची भी बातचीत कर रही थी। बलात्कार कांड पर बोलते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि कांड का अनुसंधान हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की गई है तथा समीक्षा किया गया है, DNA जांच कराया जाएगा ताकि जांच में ऐसा प्रमाण आ सके, ऐसी पुख्ता सबूत हो ताकि कोर्ट से जो सजा मिले वह सजा सुप्रीम कोर्ट तक टिकी रह सके। इसकी सजा SSP ने कहा कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसके अभियुक्त को सजा दिलाई जाए, इस केस में पूरी ताकत लगा रहे हैं। फिर कुछ नहीं, एक तो उन्होंने गए थे गांव में जाके लोगों से बात की है, पीड़िता जो बच्ची है उसके परिजनों से बात की है, यहाँ के हॉस्पिटल में आके देखा है तो बच्ची अभी ठीक लग रही है और होश में भी है। बच्ची के माता पिता ने बताया कि बात भी कर रही है, तो स्वास्थ्य में बहुत सुधार है। और जो कांड का अनुसंधान हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग की हम लोगों ने समीक्षा की आज, उसमें IO को डायरेक्शन दिया, इसमें हम लोग DNA टेस्ट कराएंगे, DNA जाँच कराएंगे ताकि जांच में ऐसा प्रमाण आ सके कि ट्रायल के दौरान डिफेंस किसी तरह की इसको कमजोरी का कोई फ़ायदा ना मिलने पाए, ऐसे पुख्ता सबूत हो कि इसमें जो सज़ा यहाँ से इस कोर्ट से मिले वो सुप्रीम कोर्ट तक टिकी रह सके। वो कोशिश यही है कि दोषी को जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाई जाए और कांड का अनुसंधान त्वरित गति से और ठोस साक्ष्य इकट्ठा करते हुए किया जाए। और FSLU की टीम इस केस में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, अनुसंधान हम लोगों का लगभग ख़त्म होने की ओर है। DMCS से जो इंजरी रिपोर्ट हम लोगों को मिली थी वो प्रारंभिक इंजरी रिपोर्ट है, वो फाइनल भी कल उम्मीद है कल मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा DNA जांच के लिए। हम लोग ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि अभियुक्त के कपड़ों पे जो खून लगा है वो उसका संबंध पीड़िता से है, और DNA जाँच से अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो फिर किसी भी स्तर पर ट्रायल में कहीं भी अभियुक्त को कोई भी फायदा मिलने की संभावना पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। कोशिश ये है कि ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा दिलाई जाए। सरफराज आलम, BTN न्यूज। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। IM इलेक्ट्रिक, IM द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की 37,000 से लेकर 96,000 तक
नई नई मॉडल उपलब्ध है, एक बार आवास पढ़ा रहे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक सैदनगर एक्मी रोड लहेरा सराय दरभंगा। 5 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार से पीड़ित बच्ची को एवं उसके परिजनों से मिलने स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के आईसीयू में पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। बच्ची की स्थिति को देखकर वे भावुक हो गए। उन्होंने आरोपी को बारे में कहा कि न सिर्फ बच्ची बल्कि पूरे इंसानियत के साथ उसने बलात्कार किया है, उसे धरती पे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पप्पू यादव ने पीड़ित बच्ची के परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 15,000 रुपए दिए और कहा कि बच्ची के अच्छे उपचार के लिए जहां भी वे जाना चाहते हैं जाएं, उसका पूरा खर्च पार्टी उठाएगी। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। एंजिल हाई स्कूल के नन्हे मुन्ने नर्सरी बस से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने प्रियंका रेड्डी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कैंडल मार्च शांतिपूर्ण ढंग से निकाला। यह कैंडल मार्च राजटोली, रामगंज, करमगंज, महाराजगंज, चकजोरा, बुल्लूपुर, गिरजरगंज तथा भीगो मोहल्ले से होते हुए मौन जुलूस के रूप में निकला। स्कूल से कैंडल मार्च निकाला गया है जो कि देश में लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। जैसे कि काफ़ी दिन पहले हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ उन्नाव में एक लड़की के साथ, एक बेचारी लड़की के साथ, और दरभंगा में भी आज हमारी 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया है जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और हमारी सरकार से अपील है इस मार्च की वो सरकार इस बात को लेकर इतना सख्त कानून, कठोर कानून बनाए कि लोगों की रूह का जाए जो ऐसा करने की सोचते हैं। बस हमारी सरकार से यही अपील है। और लड़कियों को हम घर की इज्जत कहते हैं और लेकिन हम उन्हीं की इज्जत नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और बस मैं यही कहना, आज एंजल हाई स्कूल कैलेंडर मार्च निकाल रहा है। कुछ दिनों पहले प्रियंका रेड्डी जो हैदराबाद में एक डॉक्टर थी, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। कुछ लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है और उनकी जान ली है। इसमें हम लोगों ने एक रैली निकाला है, कैलेंडर रैली, और इसमें हम ये शो करना चाहते हैं कि लड़कियों को सुरक्षा दिया जाए। गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी, नस, स्त्री रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका है? जाएं श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, बेहतर चिकित्सा हेतु उपलब्ध सुविधाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा, सुषमा शिखा, रामजी ठाकुर, मनीष कुमार, ईदगाह रोड बेता के निकट महारानी कल्याणी कॉलेज एवं नागेंद्र झा महिला कॉलेज। मोबाइल नंबर 9135915838 9437122570। और वहीं दूसरी तरफ युवा कांग्रेस ने भी 5 साल की बच्ची के साथ हुए जघन अपराध पर अपराधी को फांसी की सजा की मांग की है। उसने कहा है कि अगर ये अपराधी को फांसी की सजा नहीं दी गई तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया लहरिया सराय टावर के निकट। बच्ची के साथ जो व्यवहार हुआ है, हम लोगों का एक मांग है, उसको फर्स्ट कैट कोर्ट के तहत 2 महीने के अंदर में फांसी की सजा दी जाए। दूसरी बात, हमारा दूसरा मुद्दा है महंगाई का। आज प्याज
120 रुपये मिल रहा है, लहसुन 200 रुपये का पार हो गया है। क्या इस सरकार इतनी संवेदनहीनता पार कर चुकी है जो विपक्ष में रहते हुए इतना जोरदार प्रदर्शन कर रही थी, उस टाइम ना प्याज 200 का आंकड़ा पार किया था, ना पेट्रोल पार किया था। हम लोगों से मांग, हम लोगों को इस सरकार से मांग है कि पेट्रोल डीजल को GST के अंदर में लाया जाए, महंगाई पे तुरंत छूट दे के गृहिणी का खर्चा कम किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है उसको तुरंत 2 महीने के अंदर में अगर फांसी की सजा नहीं होती है, ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। सरफराज आलम, BTN न्यूज। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20 कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल खाजासराय लहरियासराय दरभंगा कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396 खोजी कुत्ता हंटर की मदद से बड़ी संख्या में शराब की बरामदगी हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के निर्देश पर छापामारी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रामबाग किला के निकट अशोक सहनी बड़ी संख्या में देसी शराब बरामद किया गया। बताया जाता है कि अशोक सहनी अपने ससुराल में रहता था और यहीं से शराब का कारोबार को अंजाम देता था। जानकारी देते हुए SIT के SI शिव प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि आगे और कार्रवाई लगातार शराब से संबंधित छापेमारी की जाएगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ शराब की बरामदगी के लिए कार्रवाई की गई। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। 205 तीर्थयात्रियों का जत्था 9 दिसंबर सोमवार को दरभंगा स्टेशन से रामेश्वरम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सहित 10 तीर्थ स्थलों के लिए 17 दिन के लिए रवाना हुआ। इस दौरान तीर्थयात्री शिरडी साई पुट्टपर्थी साई केरल का विष्णु पद्मास्वामी कल्याणपुरी मदुरई तिरुपति बालाजी जगन्नाथपुरी जाएंगे। 5 राज्यों के 10 तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के उपरांत 27 दिसंबर के दिन यात्री दरभंगा पहुंचेंगे। दरभंगा स्टेशन पर तीर्थयात्रियों को विदा करने प्रशासनिक पदाधिकारी सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे। मुस्लिम समुदाय के लोग भी इन्हें विदा करने दरभंगा स्टेशन पहुंचे थे। इनमें विधायक अमरनाथ गामी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता, DSP अनुज कुमार, दीदार हुसैन चांद, खलीकुल जमा, पप्पू हमीद कुरैशी, पवन सुरेखा, रविभूषण चतुर्वेदी, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद आरजू, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कमरे आलम, मोहम्मद असलम इत्यादि ने फूल माला भेंट कर तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा के नेतृत्व में यह दल 6 वर्ष तीर्थाटन पर जा रहा है। 2014 से शुरुआत इस अभियान में हर वर्ष अलग अलग जियारत एवं तीर्थाटन के लिए लोग जाते हैं, जिसमें बुजुर्गों एवं महिलाओं की संख्या अधिक होती है। इस बार की यात्रा में कुल 8 जगह रेल से 7000 किलोमीटर तथा 4 जगह बस द्वारा 800 किलोमीटर की यात्रा ये तीर्थयात्री करेंगे। इस बार के तीर्थयात्रियों को लेकर अब तक जियारत एवं तीर्थयात्रियों की संख्या 2000 से अधिक हो जाएगी। यात्रियों के रहने खाने की व्यवस्था संस्था द्वारा किया जाता है। दल द्वारा ठहराव स्थल या गाड़ी में सफाई का ध्यान रख लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाती है। साथ में डस्टबिन झाड़ू भी साथ रखा जाता है। जगह छोड़ने से पूर्व सदस्यगण स्थान की सफाई करते हैं। इससे पूरे वार्ड के मुस्लिम समुदाय के 102 सदस्य 12 नवंबर से 24 नवंबर तक अजमेर हजरत निजामुद्दीन सहित 10 जगहों की यात्रा कर लौटे हैं। आज हम यात्रा के लिए निकल रहे हैं वार्ड नंबर 21 से साईं बाबा रामेश्वरम कन्याकुमारी होते हुए। किसके देख रेख में आप लोग जा रहे हैं? हम लोग वार्ड नंबर 21 मधुबाला से। कितने आदमी के टीम जा रही है? 200 से अधिक ही है।
हम लोग वार्ड नंबर 21 से मधुवाला सेना पार्षद के नेतृत्व में एवं पत्रकार नवीन सिन्हा के सहयोग में साथ हम लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, जिसमें 200 से अधिक लोग हैं तीर्थ यात्रा, जिसमें हम लोग यहाँ से सीढ़ी के साइन, उसके बाद पिट्टा पट्टी और रामेश्वरम के अलावे जो है मल्लिकार्जुन और भी जगह मधुवाला सेना पुनः तीर्थयात्री ग्रुप को ले जा तीर्थयात्रा में ले जा रहा हूँ। वो सब पाँच तीर्थयात्री अब कहाँ भी के शिरडी जाएंगे, अब कहाँ मल्लिकार्जुन, और इनका जो सामान्य यात्रा है शुरू हुआ है, तो इस यात्रा का क्या साधवी का वर्णन करें। हम एक कोच लिखे हैं, उसका अगर विस्तार से अगर आप अपना जगह दे पाएंगे, देखिए इस यात्रा को हम रास्ता में अनुभव किए थे। आपका यात्रा शुरू हो, आप जिस मंशा से जा रहे हैं आपका मंशा पूर्ण हो, नवीन जी का मंशा पूर्ण हो, मधुबाला जी का मंशा पूर्ण हो, सबका मंशा पूर्ण हो, दरभंगा खुशहाल रहे, और ये आप जरूर मन में रखे होंगे, निश्चित होंगे हम लोग उद्घाटन पर लोग जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और सभी लोग एक ग्रुप में जाते हैं, इसका एक अलग प्रभाव रहता है, और हम लोग उनको हार्दिक शुभकामनाएं देने आ रहे हैं और उनकी यात्रा सफल रहे, इसी के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। और नवीन जी के नेतृत्व में यह जो आज जा रहा है कड़वा ही कहिए, जिसकी हम लोग सफलता की कामना करते हैं, और स्वस्थ होकर के सभी लोग और अच्छे तरीके से फिर सब लोग वापस आए, इसकी हम लोग शुभकामना देते हैं और उनकी मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। शहर के 11 दिन आएंगे, गुरु गुरुवे को यात्रा पर लेके जा रहे हैं, पहले भी जाते रहे, पहले की भांति इस बार भी जा रहे हैं। कन्याकुमारी आदि जगह पर भ्रमण कराएंगे, भ्रमण कराते हुए फिर इनकी वापसी हो रही है। ये अच्छी पहल है इनके द्वारा की जा रही है, जो अकेले नहीं जा सकते हैं समूह में ग्रुप बना करके ले जाते हैं, और सभी लोगों को जो है कि तीर्थ यात्रा करा करके वापस ले आते हैं। मेरी भी इनकी शुभकामना है, ऐसे ही आगे कार्य करते रहे, अच्छी पहल है। अनिल सिन्हा जी हर साल दोनों वर्ग को, मुस्लिम हिंदू दोनों वर्ग को तीर्थ कराने ले जाते हैं, कम पैसे में भोजन वोजन अपने तरफ से ये देते हैं, बहुत कम पैसे में इसलिए ले जाते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास उतना खर्चा नहीं रहता, इसलिए समूह में ये ले जाते हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, और भी लोगों का दरभंगा शहर में वार्ड नंबर 21 के अलावा जिन लोगों को जाना होता है वो पहले से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कराने के बाद ये ले जाते हैं। ये अच्छी पहल है, अच्छी ये है, जिनको ले जाने का शक्ति पैसा नहीं रहता जाने का, वो इनके समूह के साथ जाते हैं, और बहुत अच्छे तरह से हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग को ले जाते हैं, और ले जाने के बाद सारे तीर्थयात्री मुसलमानों को अजमेर वगैरह का तिल करा करके दर्शन करा के लाते हैं। हम लोग कामना करते हैं अल्लाह से, ईश्वर से, कि इनकी यात्रा सफल हो। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। सिंह सर्विस स्पेयर्स, सिटी सारथी ऑटोमोबाइल्स, सूजस इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सुपर डीलर ई रिक्शा, ई स्कूटी, ई लोडर, कम कागजी कार्रवाई, फाइनेंस की सुविधा, दमदार बॉडी, चेचिस और स्पेंशन, पावरफुल ब्रेक्स, फुल कैनोपी जो बारिश और धूप से बचाए, दमदार बैटरी हमेशा आपके साथ, सड़क का बादशाह सिटी सारथी ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल नंबर 9473105857, 7295035313। युवा जदयू एवं नगर युवा जदयू की संयुक्त विस्तारित बैठक जिला अध्यक्ष रामाशंकर सिंह एवं नगर अध्यक्ष नवनीत सिंह उर्फ बिजली सिंह की अध्यक्षता में हुई। पार्टी के मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। युवा जदयू का विस्तारित बैठक, जिला का और नगर दोनों का विस्तारित बैठक का आज उद्देश्य था, और दूसरा
जल जीवन हरियाली को लेकर जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार आ रहे हैं बगल के मुर्तुजापुर गांव में, वहां पर उस प्रोग्राम को लेकर के कार्यकर्ता में एक जोश भरने का, उत्साह भरने का आज हम लोग काम किए हैं। सारे कार्यकर्ता को जोश दिए हैं कि सब जोश के साथ, उत्साह के साथ वहाँ सबको पहुँचना है, उस प्रोग्राम को, जल जीवन हरियाली का जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाना है। क्योंकि जल रहेगा तो हरियाली रहेगी, तो जल भी होगा और जीवन का संरक्षण भी होगा। इसीलिए जल जीवन हरियाली प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आज ये प्रोग्राम हम लोग रखे हैं। आज युवा जनता दल यू दरभंगा एवं नगर की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है, जिसका मुख्य एजेंडा संगठन के कार्यकारिणी का विस्तार, प्रखंड अध्यक्षों का नियुक्ति एवं माननीय प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा जी के द्वारा जो निर्देशित किया गया है कि 10 से 14 दिसंबर के बीच हम लोगों को जिला में 1000 पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है। जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत हम लोग उसको 1000 नहीं 2000 पौधा लगाएंगे जिला में, और दरभंगा जिला नंबर 1 पर रहेगा। साथ ही आगामी मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है बेनीपुर में, उसको युवा जनता दल यू के सभी साथी मिलकर सफल बनाने का काम करेंगे। वीरेंद्र कुमार, BTN News।